लटेरी में उत्तर वन विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुए 4 मोटरसाइकिल सहित 8 सागौन की सिल्ली जब्त की, जिनकी कीमत लगभग 15,000 रुपए बताई जा रही है। वन विभाग के द्वारा यह कार्यवाही चंदेरी के पास आरी बेट में की गई, जहां लटेरी में लकड़ी चोरों द्वारा सागौन की कटाई कर तेजी से जंगलों को साफ किया जा रहा है और वन विभाग इस अवैध कटाई एवं चोरी को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। वहीं वन विभाग के द्वारा कभी कभी इस तरह की कार्यवाही कर अपने पेट जरूर थपथपा ली जाती है, लेकिन हकीकत यह है कि जंगल तेजी से मैदानों में तब्दील हो रहे हैं और अब इसे वन विभाग की कामयाबी कहें या लापरवाही, इस कार्यवाही में एक भी आरोपी वन विभाग के हाथ नहीं लगा है। कल मैं अपने स्टाफ को मंगा रखकर जंगल गश्त किया। मैंने जंगल गश्त के दौरान ही चंदेरी बीट के पास बीट आरी के कंपार्टमेंट 418 में लकड़ी के काटने की आवाज़ आई। लकड़ी काटने की आवाज़ की कारण मैंने अपनी 2 पार्टियाँ बनाकर घेरा लगवाया जिस जगह पे, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने 7-8 पेड़ काट के उनकी सीढ़ियाँ बना रही थी। मन हमको देख के वो उनके साथ 4 मोटरसाइकिलें भी थी, मोटरसाइकिलों से लकड़ी को रख के भागने का प्रयास किया। हमारे द्वारा पीछा करने पर उनसे लकड़ियाँ पटक कर भाग गए और मोटरसाइकिल लेकर बोलते हैं। कितनी लकड़ी जब्त की गई? 8 लकड़ी जब्त की गई। क्या कीमत रही इसकी? कीमत करीब 15,000 रुपये। कोई आरोपी गिरफ्तार किया? आरोपी भाग गए, आरोपी हमने प्रकरण कायम कर दिया है, अपराध की जाँच करके। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए लटेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।